दोस्तों नमस्कार, मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। दोस्तों, फ्री व्यापार स्कूल में मैंने पेट्रोल पंप से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और आई बटन पे दे दिया, आप वहां से देख सकते हैं। दोस्तों, मेरे ढेर सारे व्यूअर्स, मेरे ढेर सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझे ये कमेंट किया कि सर, आप मुझे अपेंडिक्स 3 और अपेंडिक्स 10 ए के बारे में बताएं कि अपेंडिक्स 3 किसके लिए रिक्वायर्ड है और ये कैसे फिलअप किया जाएगा, इसका फॉर्मेट कैसा है, प्लीज़ मुझे बताएं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अपेंडिक्स 3 किसके लिए एलिजिबल है, किसके लिए ज़रूरी है और इसको कैसे फिलअप किया जाएगा। और इसके साथ ही दोस्तों, मैं अपेंडिक्स 10 के भी बारे में बताऊंगा किसके लिए ज़रूरत है ये और इसको कैसे फिलअप किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करें। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और नई नई वीडियोस और नए नए नॉलेजेबल वीडियोस आपको मिलते रहे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं अपेंडिक्स 3 के बारे में। दोस्तों, अपेंडिक्स 3 जो है ये किसके लिए रिक्वायर्ड है, पहले इसको देखिए। यहाँ पे लिखा हुआ नोटराइज एफिडेविट फॉर ऑफर ऑफ लैंड फ्रॉम फैमिली मेम्बर्स एंड और थर्ड पार्टी सपोर्टेड बाई लैंड डॉक्यूमेंट्स। ऑल द ज्वाइंट ओनर को ओनर ऑफ द लैंड हैव टू सबमिट दिस एफिडेविट इंडिविजुअली। मतलब दोस्तों, ये जो एफिडेविट है, ये जो अपेंडिक्स 3 है, ये किसको देना है, जो फैमिली मेंबर्स हों और साथ में ही थर्ड पार्टी के लोग भी इसे देते हैं। और उसमें दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना है, उस प्लॉट में जितने भी ओनर हैं और को ओनर हैं, सबको ये सबमिट करना है, अलग अलग इंडिविजुअली अलग अलग इसको सबमिट करना है। दोस्तों, अगर आप फैमिली मेम्बर हैं तो इस केस में आप अपेंडिक्स 3 दे के ग्रुप 1 में आ सकते हैं, और अगर फैमिली मेम्बर नहीं है तो इस केस में आप दोस्तों थर्ड पर्सन से अपेंडिक्स लेके ग्रुप 2 में आ सकते हैं। तो ये डिफरेंस है दोस्तों ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में। आपके फैमिली मेंबर हैं देन आप ग्रुप 1 में आएंगे, और थर्ड पर्सन से आपने इसे इस डॉक्यूमेंट्स को लिया है या फिर अपेंडिक्स 3 बनाया है, इस केस में आप ग्रुप 2 में जाएंगे। तो आइए दोस्तों, दिखाते हैं कि इसको सबसे पहले फिलअप कैसे करना है। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ करना है आपको, इस डॉक्यूमेंट्स को आपको जो बनाना है वो 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे बनाना है। ठीक है दोस्तों, ये 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे आपको बनाना है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। और इसके साथ ही दोस्तों, इसको नोटराइज भी कराना है। आइए दोस्तों, इसको बताते हैं कि कैसे इस फॉर्म को फिलअप किया जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे देखिए आई, आई मतलब यहाँ पे जो लैंड ओनर है वो यहाँ पे अपना डिटेल देंगे। सपोज दैट लैंड ओनर हैं विकास कुमार, ठीक है, तो ये यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, विकास कुमार, सन ऑफ, वाइफ ऑफ, और जो भी उनकी फादर का नाम है वो उसको यहाँ पे मेंशन करना है। फादर नेम में दोस्तों, हम जो भी आपके फादर का नाम है या लैंड ओनर जो है उनके फादर का नाम है उसको यहाँ पे मेंशन करना है। तो यहाँ पे दोस्तों हम मेंशन कर देते हैं राखी श्याम, ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों उनकी एज, विकास कुमार की एज यहाँ पे डालनी है, दैट इज जो लैंड ओनर है उनका यहाँ पे एज डालना है, एज 36। और साथ ही दोस्तों उनका पूरा एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना है, किसका, जो लैंड ओनर है उनका पूरा यहाँ पे एड्रेस आएगा। तो इस चीज, इस तरह से दोस्तों आपको इसको फिलअप करना है। यहाँ पे लैंड ओनर का नाम, उनके फादर का नाम, उनकी एज क्या है और उनका पूरा एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। अब नीचे आए दोस्तों, यहाँ पे एक चीज पढ़िएगा, आई अंडरस्टैंड दैट एज पर द डेफिनेशन फैमिली मेंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स फॉर ऑफर द लैंड अंडर ओन कैटेगरी, ठीक है। तो इसमें कौन कौन कर सकता है दोस्तों, कौन कौन ये एफिडेविट सबमिट करेगा, वो खुद कर सकते हैं या उनके पति पत्नी, मदर, फादर, स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर, ब्रदर, सिस्टर, डॉटर, सन, स्टेप डॉटर, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, पेरेंट इन लॉ एंड ग्रैंड पेरेंट्स। मतलब अगर दोस्तों आपके एप्लीकेंट्स जो हैं, जो भी आप एप्लीकेंट्स हैं, उसमें इन रिलेशंस को ही आप दिखा सकते हैं, इन रिलेशन के थ्रू ही आप ग्रुप वन में आ सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है दैट आई एम ए मेम्बर ऑफ फैमिली ऑफ श्री, यहाँ पे उनका नाम लिखना है जिनके नाम से ये एप्लीकेशन होने वाला है। सपोज दैट यहाँ पे दोस्तों हम लिख देते हैं राजेश शाह, राजेश शाह ये हैं एप्लीकेंट, एप्लीकेंट का नाम लिखा जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों आप किस कंपनी के लिए, किस कंपनी के रिटेल आउटलेट के लिए आप जो है अप्लाई कर रहे हैं उसको यहाँ पे टिक कर देना है, और साथ ही दोस्तों उस लोकेशन को भी आपको मेंशन करना है, जो भी आपका लोकेशन दिया गया हो उसको यहाँ पे मेंशन करना है, और साथ ही दोस्तों आपको यहाँ पे सीरियल नंबर भी लिखना है, यहाँ पे लोकेशन
और साथ में सीरियल नंबर यहाँ पे डालना है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आए किस कैटेगरी से वो अप्लाई कर रहे हैं इसको आप देखें। सपोज देख कोई ओपन से अप्लाई कर रहा है तो यहाँ पे ओपन लिख देगा। साथ ही यहाँ पे कैटेगरी अगेंस्ट द एडवर्टीजमेंट अपीयर इन, ये किस इस एडवर्टीजमेंट को आपने कहाँ पे देखा है इसका यहाँ पे मेंशन करना है। तो हमने दोस्तों इसको देखा टाइम्स ऑफ इंडिया में, ठीक है। और न्यूज़पेपर डेटेड किस डेट को आपने देखा, तो इसका जो एडवर्टीजमेंट आया हुआ था दोस्तों ये 28 जून 2023, ठीक है, ये यहाँ पे इस तरह से मेंशन करना है। अब यहाँ पे दोस्तों ये तो फैमिली मेंबर्स के लिए है, ठीक है, ये है फैमिली मेंबर्स के लिए। अगर कोई थर्ड पर्सन होता है तो इस केस में क्या करना है, यहाँ पे मेंशन करना है। सपोज दैट मैं थर्ड पर्सन हूँ तो यहाँ पे आपको मेंशन करना है दैट आई श्रीमती कुमार, जो भी ओनर नेम है उनका यहाँ पे जिक्र करना है, यहाँ पे मेंशन करना है विकास कुमार, ठीक है। उनका जो जमीन है ओन अ पीस ऑफ लैंड, अगर वो सिंगली है या जॉइंटली है तो उसका यहाँ पे सर्वे नंबर डालना है। सर्वे नंबर मैंने डाल दिया दोस्तों 543, ठीक है। ये कहाँ पे लोकेटेड है, जो एडवर्टीजमेंट आया हुआ है उस एरिया में, जो भी आपका बीच का जगह होगा या फिर जहाँ पे ये लैंड है उसको यहाँ पे मेंशन करना है। तो सपोज दैट दोस्तों हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि मयूर बिहार, ठीक है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे तहसील क्या लगेगा या तालुका क्या है उसको यहाँ पे मेंशन करना है, हमने डाल दिया लक्ष्मी नगर, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है इसको भी यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट को भी मेंशन करना है, हमने डाल दिया लक्ष्मी नगर, ठीक है। और साथ ही दोस्तों वो किस स्टेट में है आपको स्टेट यहाँ पे मेंशन करना है, मैंने इसको स्टेट डाल दिया यहाँ पे दिल्ली, ठीक है। और जो मेजरमेंट है जो प्लॉट का साइज है जितना उनको आपको देना है वो साइज यहाँ पे मेंशन करना है, मैंने मेंशन कर दिया 30 मीटर × 30 मीटर का, फ्रंटेज 30 मीटर है और डेप्थ भी यहाँ पे कितना है 30 मीटर, ठीक है। और उसका जो टोटल स्क्वायर जो टोटल एरिया बन रहा है वो कितना बन रहा है 900 स्क्वायर मीटर का, ठीक है। अब ये तो हुआ दोस्तों कि जिनकी अपनी जमीन है वो यहाँ पे इसको मेंशन कर सकते हैं। सपोज दैट कुछ लोगों ने इसको लॉन्ग टर्म लीज पे लिया है, देन आपको ये चीज ऑफर कर रहे हैं, तो इस केस में ऊपर वाला फिलअप ना करके नीचे वाला यहाँ पे फिलअप करना है। तो यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं विकास कुमार अगर लॉन्ग टर्म लीज पे है इस केस में। दोस्तों अगर कोई लॉन्ग टर्म लीज पे लिया है तो वो भी आपको सब लीज पे दे सकता है या फिर ये ऑफर कर सकता है कि मैं आपको ये जमीन दूंगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये मेंशन करना होगा कब का या कितने साल का लीज है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया 100 ईयर का लीज है या 99 ईयर का लीज है, 90 ईयर का, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू कब से है ये उसको भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। सपोज दैट मैंने मेंशन कर दिया 1998 से, ठीक है। अब यहाँ पे उस प्लॉट का डिटेल देना है जो गाटा नंबर या सर्वे नंबर है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 543 और यहाँ पे हमने अपना वो विलेज या टाउन जो भी है उसको यहाँ पे मेंशन कर देना है मयूर बिहार, यहाँ पे लक्ष्मी नगर, ठीक है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मैंने लक्ष्मी नगर डाल दिया, ठीक है दोस्तों। और साथ ही यहाँ पे मेंशन करना है आपको स्टेट मैंने दिल्ली डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पे जो भी आपको ऑफर कर रहे हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे मेंशन करना है, 30 मीटर × फ्रंटेज 30 मीटर है और डेप्थ भी 30 मीटर की रिक्वायरमेंट है। जो टोटल स्क्वायर एरिया बन रहा है वो कितना बन रहा है, वो यहाँ पे 900 स्क्वायर मीटर का बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर सपोज दैट कि एक से ज़्यादा ओनर हैं इसमें, तो इसमें 1, 2, 3 करके जितने भी एप्लीकेंट्स हैं उसको यहाँ पे मेंशन करना है। और एक चीज़ है स्ट्राइक ऑफ विच एवर इज नॉट एप्लीकेबल, जो आपके लिए जरूरी नहीं है उसको आप डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे ओनर का नाम, रिलेशनशिप, एप्लीकेंट के साथ क्या रिलेशन है आपका वो मेंशन करना है। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जो एप्लीकेंट है वो सपोज दैट जो लैंड ओनर है वो है विकास कुमार और जो रिलेशन है एप्लीकेंट के साथ वो ब्रदर है, ठीक है। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, लीज डेट, म्यूटेशन जो भी हुआ है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सपोज दैट मैंने लिख दिया 28/09/23, ठीक है। जो गाटा नंबर, सर्वे नंबर है उसको आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है 543। जो आपका फ्रंटेज है 30 मीटर और डेप्थ 30 मीटर और जो टोटल स्क्वायर एरिया बन रहा है वो 900 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं दोस्तों, इसके नीचे आते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखें, प्लीज़ क्वालिफाई द रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में कौन कौन हो सकते हैं, उनमें सेल्फ हो सकता है,
आपके पति पत्नी हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, मदर हो सकते हैं, इंक्लूडिंग स्टेप फादर एंड स्टेप मदर ऑल्सो। ठीक है, यहाँ पे ब्रदर एंड सिस्टर, स्टेप ब्रदर एंड स्टेप सिस्टर भी हो सकते हैं, वो अगर मैरिड भी हैं इस केस में भी आपको अपेंडिक्स थ्री दे सकते हैं। डॉटर या सन, स्टेप डॉटर स्टेप सन दोनों लोग दे सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से दोस्तों सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, पेरेंट इन लॉ, ग्रैंड पेरेंट, बोथ मैटरनल एंड पैटरनल दोनों केसेस में ये आपको अपेंडिक्स थ्री दे सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों अब नीचे आते हैं, अब इसको क्या फिलअप करना है, अब आपको हम यहाँ पे बताते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, नेम ऑफ एंटिटी, मतलब जो एप्लीकेंट हैं उनका यहाँ पे नेम मेंशन किया जाएगा। मतलब यहाँ पे राजेश शाह जो मेंशन कर रहे हैं, राजेश शाह, ठीक है, और किस कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए यहाँ पे आपको टिक कर देना है, यहाँ पे आपको टिक कर देना है, और लोकेशन डाल देना है, जो भी आपका लोकेशन निकला हुआ है लोकेशन को आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। ठीक है, साथ ही दोस्तों किस कैटेगरी से हैं उसको भी यहाँ पे मेंशन करना है, ओपन या एससी एसटी या ओबीसी, जो भी जिस भी कैटेगरी से हैं आपको यहाँ पे मेंशन करना है। और सेम चीज़ें यहाँ पे डालना है दोस्तों कि ये एडवर्टीजमेंट आपने कहाँ पे देखा, ये मैंने देखा टाइम्स ऑफ इंडिया में, ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, और किस डेट को देखा वो यहाँ पे मेंशन करना है, 28 जून 2023 को, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आए दोस्तों, तो इसको देखिए क्या क्या मेंशन है, तीसरे कॉलम में क्या कर रहा है, तीसरे पैराग्राफ में क्या है, दैट इन केस ही शी जो भी एंटिटी नेम है इज सेलेक्टेड फॉर आरओ डीलरशिप, आई विल आइदर सेल ट्रांसफर लीज ऑफ अबव मेंशन पीस ऑफ लैंड टू ऑयल कंपनी और टू श्री श्रीमती कुमार, यहाँ पे जो एप्लीकेंट है उनका नाम लिखा जाएगा। मतलब कि अगर राजेश कुमार जी इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर वो सेलेक्ट होते हैं इस केस में, मैं उनको ये लीज पे दे दूंगा, सेल कर दूंगा या ट्रांसफर कर दूंगा, इनमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों नेक्स्ट देखिए, सेटिंग फॉर रिटेल आउटलेट फैसिलिटी एट द अबव मेंशन लोकेशन एज पर द साइट प्लान दिल्ली साइंड बाय मी ऑल कोऑनर्स, मतलब ये आपके द्वारा और उसमें जितने भी कोऑनर्स हैं ये आपको साइन करके देना है। इन केस ऑफ लीज आई फर्दर कन्फर्म दैट आई हैव नो ऑब्जेक्शन इफ द सब्जेक्ट पीस ऑफ लैंड लीज टू श्री, मतलब यहाँ पे जो एप्लीकेंट है उनको आप लीज करेंगे और इससे आपको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है, इस फर्दर लीज सब लीज टू द ऑयल मार्केटिंग कंपनी बाय हिम हर एज पर द टर्म ऑफ द ऑयल कंपनी, मतलब ऑयल कंपनी की जो भी कंडीशंस होंगी उसके कंडीशंस पे ये लीज दे सकते हैं, उससे इनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है, दैट आई हैव नो ऑब्जेक्शन इफ द अबव मेंशन लैंड इज इशूड फॉर सेटिंग अप रिटेल आउटलेट फैसिलिटीज बाय, ये जो एप्लीकेंट हैं इनका नाम यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। मतलब कि अगर उनका यहाँ पे सेटअप होता है रिटेल आउटलेट के लिए, इनका सिलेक्शन होता है, इस केस में मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मैं इनको ये जमीन दूंगा। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आपको फिलअप करना है, और इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशंस भी हैं कि उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है रिटेल आउटलेट के लिए। यहाँ पे आपको दोस्तों डालना है डेट, जैसे टुडे इज फ्राइडे 28 सितंबर 2023, इस तरह से यहाँ पे मेंशन करना है। और नीचे आए दोस्तों तो यहाँ पे आपको फिलअप करना है, यह है आपका यहाँ पे नेम ऑफ डिपोनेंट, डिपोनेंट जो भी है, डिपोनेंट मतलब विकास कुमार, मतलब जो लैंड ओनर है वो होंगे डिपोनेंट, वो होंगे शपथकर्ता, वो शपथ करेंगे कि मैं ये जमीन इनको दूंगा, एंड रिलेशन में क्या है ये हम डाल देंगे। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आप इसको फिलअप करेंगे, और इसको नोटराइज कराना है मजिस्ट्रेट से, जज से, या पब्लिक नोटरी से, किसी से भी आप करा सकते हैं। और इसके स्टैंप को लेना है उनके नाम से जिनका लैंड है, मतलब जिसका भी लैंड है उनके नाम से स्टैंप पेपर खरीदना है और इस तरह से फिलअप करना है। तो आई थिंक दोस्तों आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि आपको जो है ये कैसे फिलअप करना है और अपेंडिक्स थ्री किसके किसके लिए है। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि अपेंडिक्स 10A किसके लिए जरूरी है और इसमें क्या क्या फिलअप किया जाता है और कंपनी के क्या क्या नॉर्म्स और कंडीशंस हैं। ठीक है, यहाँ पे नोट में लिखा हुआ द स्टैंप पेपर शुड बी परचेस इन द नेम ऑफ डिपोनेंट, जो भी डिपोनेंट होगा उसके नाम से ये स्टैंप पेपर परचेस किया जाएगा। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं कि अपेंडिक्स 10 कैसे फिलअप किया जाएगा। अपेंडिक्स 10 में दोस्तों ये किसके किसके लिए है एप्लीकेबल, दोस्तों ये
जो अपन एक्सटेंड है, ये कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं आपके और कंपनी के बीच में, ठीक, मतलब जो अप्लीकेंट्स होता है उसके बीच में और कंपनी के बीच में कुछ उनके रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनको यहाँ पे मेंशन करना होता है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे क्या है, नोटराइज एफिडेविट टू बी टाइप्ड ऑन अप्रोप्रिएट नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर ऑफ रिक्वायर्ड वैल्यू टू बी सबमिटेड बाई इंडिविजुअल अप्लीकेंट्स, मतलब ये इंडिविजुअल अप्लीकेंट्स के लिए इसको देना है। ये भी दोस्तों आपको कितने पे लेना है, ये लेना है आपको 100 रुपीज के स्टैम्प पेपर पे, 100 रुपीज के स्टैम्प पेपर पे, ठीक है, 100 रुपीज के स्टैम्प पेपर पे लेना है दोस्तों। और इसको कैसे फिल करना है यहाँ पे आपको बताते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अप्लीकेंट का नाम आएगा, अप्लीकेंट राजेश शाह, ठीक है, राजेश शाह, उनके फादर का नाम, मदर का नाम, या जिनके भी हस्बैंड डॉटर जो भी हो यहाँ पे मेंशन करना है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया राजेश शाह, ठीक है, यहाँ पे उनकी एज डालनी है, एज जो भी हो, एज मैंने डाल दिया 28 इयर्स, ठीक है, और उनका जो एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है, यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आपको मेंशन करना है जहाँ पे वो रहते हैं, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। उनका एड्रेस जो भी हो आप यहाँ पे लिखते हैं, मयूर विहार, ठीक। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे है आई कनेक्शन इन कनेक्शन विथ माई एप्लीकेशन ऑफ RO डीलरशिप एट लोकेशन, लोकेशन में जो भी आपका लोकेशन हो उसको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है, और साथ में दोस्तों यहाँ पे आपको लोकेशन सीरियल नंबर भी मेंशन कर देना है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डालना है, किस डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेशन निकली हुई है, इसको यहाँ पे मेंशन करना है। तो मैंने डाल दिया दोस्तों, ये निकला हुआ है दिल्ली में, ये साउथ दिल्ली, ठीक है, स्टेट जो है वो दिल्ली है, इस तरह से आपको दोस्तों फिलअप करना है। अब यहाँ पे नीचे आएंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या करना है, दैट आई एम एन इंडियन सिटीजन एंड रिसाइड ऑफ इंडिया, मतलब मैं इंडियन मतलब भारतीय नागरिक हूँ और यहाँ पे रहता हूँ। यहाँ पे क्या क्या डालना है दोस्तों, आपका डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए 01, ठीक है, 01, जो भी आपका ईयर हो उसको यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है, 1989, ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपको आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना है। और यहाँ पे दोस्तों आप जब आपने मैट्रिकुलेशन किया है, जब आपने 10th पास किया है, उस सर्टिफिकेट पे जो भी आपका 10th जब आपने पास किया है वो यहाँ पे मेंशन करना है। तो मैंने डाल दी यहाँ पे 2000, ठीक है, 2000 में इन्होंने 10th कंप्लीट किया है, तो यहाँ पे वो ईयर डालना है, ठीक है। अब नीचे आइए दोस्तों, यहाँ पे कई कंडीशंस हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा, मैं फटाफट से बताता हूँ कि इसको फॉर्म कैसे फिलअप करना है। यहाँ पे क्या है, दैट आई एम मैरिड और अनमैरिड, मैरिड है तो यहाँ पे आपको पति या पत्नी का नाम मेंशन करना है, जो भी पति या पत्नी का नाम हो वो यहाँ पे मेंशन कर लेना है, सपोज दैट कुछ भी आप यहाँ पे मेंशन कर लें, आरती, ठीक है। और अगर कोई महिला है जिनका नेम ट्रांस चेंज हुआ है आफ्टर मैरिज, तो उनको यहाँ पे ये चीज़ें मेंशन करनी है कि आपका नेम पहले क्या था और अब क्या हो गया है, ठीक है, ये स्पेशली लेडीज़ के लिए है, फीमेल्स के लिए है जिनका नेम चेंज हुआ है, ठीक है। अब नीचे आइए, यहाँ पे दोस्तों किस कंपनी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं 11th में वो डालना है, मैंने डाल दिया IOCL, ठीक है, इस तरह से आप जिस भी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका यहाँ पे नेम मेंशन करना है। इसमें भी आइए, यहाँ पे भी आपको कंपनी का नेम मेंशन करना है, ठीक है दोस्तों। अब नीचे आ जाइए, अब आएंगे आप 12th के ऐप में, यहाँ पे भी आपको कंपनी नेम मेंशन करना है। तो इस कंडीशंस को दोस्तों आप पढ़ लीजिएगा, इतना टाइम नहीं है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि इसको कैसे आपको फिलअप करना है। यहाँ पे दोस्तों जो लोकेशन निकला हुआ वहाँ पे आपको लोकेशन लिखना है, लोकेशन जो भी आपका आया हुआ एडवर्टीजमेंट है उसको यहाँ पे लोकेशन डालना है, किस डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ है इसको भी आपको मेंशन करना है, ठीक है, स्टेट जो भी हो आपका यहाँ पे आपको स्टेट मेंशन करना है, यहाँ पे लोकेशन आया हुआ है उसके लिए, ठीक है। इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन है, इसको आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों, ये थोड़ा सा लेंदी है, तो इसको मैं अगर आपको बताऊंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसी तरह से दोस्तों 15 नंबर पे आ जाए, यहाँ पे भी आपको कंपनी नेम डालना है, IOCL, ठीक है। नीचे आइए फिर से दोस्तों, अगर आप अनमैरिड हैं और आप अपने वाइफ को या हस्बैंड को अपना पार्टनरशिप बनाना चाहते हैं, पार्टनर बनाना चाहते हैं, तो इस कंडीशन में यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, IOCL, ठीक है।
आपको दोस्तों ये कुछ कंडीशंस हैं, इनको पढ़ लेना है। जहां जहां पे कंपनी नेम दिया हुआ वहां वहां पे आपको कंपनी नेम मेंशन कर देना है, क्योंकि मैं आपको पढ़ के बताऊंगा तो काफी लंबा हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों क्या है, इफ आई सेलेक्टेड आई अंडरटेक दैट आई विल बी डिपॉजिट एज एन इंटरेस्ट फी सिक्योरिटी डिपॉजिट रुपीज, जो भी वहां पे सिक्योरिटी डिपॉजिट होता हो, जैसे 5 लाख रुपीज है तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है, अगर दोस्तों कोई डीसी साइड पे है तो उनके लिए कुछ फिक्स डिपॉजिट है, अगर वो रेगुलर में है तो यहाँ पे 15 लाख रुपए, और रूलर में है तो 5 लाख रुपए आपको ये जमा करना पड़ेगा, जो कि नॉन रिफंडेबल फिक्स्ड फी है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर रेगुलर है तो यहाँ पे 15 लाख रुपए है, तो मैंने 15 लाख रुपए लिख दिया। और नीचे आइए दोस्तों, इसी तरह से आप नीचे आ जाइए, इसमें और कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको फिलअप करने में। अब नीचे आइए, जो मेन दिक्कत थी आपका 18 और 19 में जो है दिक्कत थी, अब कहीं पे कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको लोकेशन डाल देना है, जो भी आपके यहाँ पे लोकेशन हो। ठीक, लोकेशन मेंशन कर देना है और जिस कंपनी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसको यहाँ पे टिक कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास कोई डीलरशिप है तो उसकी डिटेल यहाँ पे मेंशन करनी है, कि डीलरशिप है तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी का नाम यहाँ पे मेंशन करना है, नेम एंड स्टाइल जो भी वहाँ पे हो, लोकेशन जो भी, उसको यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, और नीचे आइए दोस्तों, बिल्कुल नीचे आ जाइए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ स्ट्राइक ऑफ वॉट एवर इज नॉट एप्लीकेबल, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है उसको आप हटा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक डिक्लेरेशन दिया जा रहा है, आई हेयर बाई वेरीफाइड दैट वॉट हैज बीन स्टार्टेड अबव इज ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड नथिंग मैरिटल हैज बीन कंसील्ड देयर फ्रॉम। ठीक है, यहाँ पे फिर आपको दोस्तों वो डेट फ्राइडे 28 सितंबर और जो भी यहाँ पे ईयर वो उसको मेंशन कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों फिर से आपको सिग्नेचर करना है, किसका, एप्लीकेंट का, ये किसके नाम से खरीदना है, द स्टैम्प परचेज स्टैम्प पेपर शुड बी परचेज इन नेम ऑफ डिपोनेंट, डिपोनेंट कौन होगा, नेम ऑफ एप्लीकेंट, जो भी यहाँ पे एप्लीकेंट होगा उसका यहाँ पे उसके नाम से इसको परचेस किया जाएगा। यहाँ पे नोटराइज करवा लेना है आपको, नोटरी करवा लेना है या फिर मजिस्ट्रेट या जस्टिस को साइन करवा लेना है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपेंडिक्स 10 और अपेंडिक्स 3 इसको फिलअप कर सकते हैं। तो ये दोस्तों जो भी ऑफर कर रहा है, ग्रुप 1 में अप्लाई कर रहा है और ग्रुप 2 में अप्लाई कर रहा है, उनके लिए ये डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी हैं, आपको अपेंडिक्स 10A देना ही देना है और ये डॉक्यूमेंट्स आपको पहले ही बना लेना है, अपेंडिक्स 3 और अपेंडिक्स 10A दोनों आपको पहले ही बना लेना है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आप अपेंडिक्स 3 और अपेंडिक्स 10A बना लीजिएगा, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इसको डॉक्यूमेंट्स को पहले प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिनको ना पता हो उनको भी ये चीज़ पता चल जाए। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।